नमस्कार दृष्टि आई के टुडे प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का री आप देख लेते हैं पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है इसका सही जवाब है अठारह मई अगला प्रश्न है मलेर कोटला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला इसे पंजाब का तेईसवा जिला घोषित किया गया है दूसरा स्टेट ऑफ मलेर कोटा की स्थापना सोलह में बयाजिद खान द्वारा की गई थी उपयुक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है इसका सही जवाब है केवल एक अगला प्रश्न है हाल ही में जानी मानी शख्सियत की नारायणन का निधन हो गया बताइए वह किस भाषा के दिग्गज साहित्यकार थे इसका सही जवाब है तमिल अगला प्रश्न है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट अगला प्रश्न है संवेदना निम्नलिखित में से किसकी पहल है इसका सही जवाब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अगला प्रश्न है खबरों में रहा सिमोर्ग किस देश का सुपर कंप्यूटर है इसका सही जवाब है ईरान अगला प्रश्न है एक हालिया अध्ययन के अनुसार ज्यादा काम करने की वजह से 2016 में सात लाख पैंतालीस हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी बताइए यह अध्ययन किसके द्वारा किया गया था इसका सही जवाब है ए और बी दोनों अगला प्रश्न है एल्डर लाइन किस मंत्रालय की पहल है इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है इसका सही जवाब है श्री मलानी फोर्म्स प्राइवेट लिमिटेड अंतिम प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने कोविड 19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को पांच लाख रुपए की सहायता राशि एवं परिवार के एक सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के लेखक कौन है श्री एस जयशंकर जयंत सिन्हा सुहासिनी हैदर या फिर डॉक्टर मोईद डब्ल्यू यूसुफ इसका सही जवाब ऑप्शन डी डॉक्टर मोईद डब्ल्यू यूसुफ हाल ही में पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद डब्ल्यू यूसुफ को नियुक्त किया गया दिसंबर 2019 से यूसुफ राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक नीति प्लानिंग पर प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे आपको बता दें कि मोईद डब्ल्यू यूसुफ प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के लेखक है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी डॉक्टर मोईद डब्ल्यू यूसुफ हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है खबरों में रहा एस बी आई आर एस जियो फाइव सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया यूएस स्पेस फोर्स इसरो जाक्सा या फिर सी इसका सही जवाब ऑप्शन ए यूएस स्पेस फोर्स हाल ही में यूएस स्पेस फोर्स ने एस बी आई आर एस जियो फाइव सैटेलाइट लॉन्च किया एस बी आई आर एस जियो फाइव यानी स्पेस बेस्ड इंफ्रा रेड सिस्टम जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एटलस वी रॉकेट से लॉन्च किया गया यह रॉकेट यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा बनाया गया है यह उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और जमीन पर आने वाली मिसाइलों से सेनाओं को सचेत करेगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए यूएस स्पेस फोर्स अगला प्रश्न है सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी 1946, 1948, 1954 या फिर उन्नीस इसका सही जवाब ऑप्शन सी उन्नीस हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया ऐप के जरिए दर्शक अब गैलरी में प्रदर्शित होने वाली कथाओं और कहानियों को अपने स्मार्टफोन पर भी सुन सकेंगे इसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी संग्रहालय में 2000 से अधिक कलाकारों का मौलिक संग्रह है इसमें राजा रवि वर्मा रविन्द्र टैगोर गगनेन्द्र टैगोर नंदलाल बोस जैमिनी रॉय अमृता शेरगिल थॉमस डेनियल और कुछ अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के संग्रह शामिल हैं। इसमें संरक्षित कुछ सबसे पुरानी कृतियां अठारह की भी हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक कला संग्रहालयों में से एक है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी उन्नीस अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सार्स को के विभिन्न म्यूटेंट का पता लगाने के लिए एक मल्टीप्लेक्स आरटीपीसीआर किट विकसित की है आईआईटी खड़कपुर, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बी या फिर एन पटना इसका सही जवाब ऑप्शन बी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सास कोव टू के विभिन्न म्यूटेंट स्ट्रेन की पहचान करने के लिए हाल ही में विकसित की गई मल्टीप्लेक्स आरटीपीसीआर किट काफी ज्यादा कारगर और सटीक साबित हो रही है ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिनमें वर्तमान में प्रयोग में लाई जा रही आरटीपीसीआर किट नए स्ट्रेन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है इस किट को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है इस संस्थान ने इस किट के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए हैदराबाद स्थित ह्यूवेल लाइफ साइंसेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर लिया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड 19 के कारण मरने वालों के परिवारों को पचास हजार रूपए देने की घोषणा की है बिहार पुडुचेरी दिल्ली या फिर ओडिशा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड 19 के कारण मरने वालों के परिवारों को पचास हजार रूपए देने की घोषणा की है जिस परिवार में कमाने वाले की ही मृत्यु हो गई हो उसके परिवार को दो हजार पाँच सौ रूपए हर महीने पेंशन भी दिया जाएगा जिन बच्चों के माता पिता का कोरोना से निधन हो गया है उन्हें पच्चीस साल के होने तक हर महीने ढाई हजार की मदद दी जाएगी एवं उन्हें निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी दिल्ली अगला प्रश्न है हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए डैश साल के लिए नीति की घोषणा की है एक दो तीन या फिर चार इसका सही जवाब ऑप्शन ए एक, एक हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राज्य में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए एक नीति की घोषणा की है इस नीति का नाम है आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल गैसेस एंड मेडिकल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2021-22। यह नीति एक साल तक वैध रहेगी इस नीति के तहत कम से कम 50 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्पन ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस नीति के तहत राज्य की ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता मौजूदा तीन मीट्रिक टन से बढ़ाकर सात मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए एक अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता है शंकर बाला सुब्रमण्यम डेविड क्लेनरमैन ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता घोषित किया गया है उनके द्वारा सीक्वेंसिंग टेक्निक्स के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है इनके द्वारा विकसित की गई तकनीक की वजह से अब डीएनए को सुपर फास्ट टाइम में भी पढ़ा जा सकता है यह पुरस्कार हर दो साल पर टेक्नोलॉजी एकेडमी फिनलैंड द्वारा दिया जाता है सर बाला सुब्रमण्यम औषधीय रसायन विज्ञान के भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रोफेसर है जबकि सर क्लेनर मैन एक ब्रिटिश बायोफिजिकल केमिस्ट है यह है पुरस्कार 2004 से दिया जा रहा है सबसे पहले 2004 में सर टिम बर्नल्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब की खोज के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों अगला प्रश्न है खबरों में रही सीला कैंट क्या है मछली सांप फूल या फिर कंप्यूटर इसका सही जवाब ऑप्शन ए मछली सीला कैंथ मछली इन दिनों काफी चर्चा में है दरअसल एक समय पर विलुप्त मानी जाने वाली यह मछली हिंद महासागर में जिंदा पाई गई है इसका वैज्ञानिक नाम लेटीमेरिया चालुम नई है इसका आई सी एन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मछली अगला प्रश्न है फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने बनाया है आई आई टी मोनाश यूनिवर्सिटी ए और बी दोनों ने मिलकर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने मिलकर आईआईटी रोपड़ और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने एक फेक बस्टर नामक डिटेक्टर बनाया है यह है डिटेक्टर ऑनलाइन फरेबी का पता लगा सकता है गौरतलब है कि इस तकनीक से सोशल मीडिया में भी धोखेबाजी को पकड़ा जा सकता है इस अनोखी तकनीक से पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की जा रही है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कौन घुसपैठ कर रहा है इस टूल की सटीकता नब्बे प्रतिशत से अधिक है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने मिलकर अगला प्रश्न है हौसला हाई रख अभियान किसके द्वारा घोषित किया गया है दूरदर्शन रेड एफ शिक्षा मंत्रालय या फिर नीति आयोग इसका सही जवाब ऑप्शन बी रेड एफ 93.5 रेड एफएम ने हौसला हाई रक अभियान की घोषणा की है इसका मकसद कोविड 19 के इस भयावह दौर में सकारात्मक कंटेंट के जरिए लोगों में आशा जगाना है इस अभियान के मुख्य चेहरा जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना एवं बॉलीवुड म्यूजिक कम्पोजर शेखर रवजियानी है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी रेड एफ अंतिम प्रश्न है दो का विंटर ओलंपिक किस देश में होने वाला है चीन जापान ब्राजील या फिर अमेरिका इसका सही जवाब ऑप्शन ए चीन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षा नैन्सी पेलोसी ने अमेरिकी राजनयिक एवं वैश्विक नेताओं से चीन में होने वाले 2022 के विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करने की अपील की है उन्होंने मानवाधिकारों के हनन के लिए चीन की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि जो वैश्विक नेता इसमें शामिल होंगे वे अपना नैतिक अधिकार खो देंगे आपको बता दें कि 2024 के समर ओलंपिक का आयोजन पेरिस में होगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए चीन अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न खबरों में रहा हाईयांग टू किस देश का उपग्रह है जापान चीन दक्षिण कोरिया या फिर तुर्की इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव